ऑलराइट गाइस, वीवो का टीवी आ चुका है। अभी काफी सारे लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन इस फोन को खरीद रहे हैं और मैं भी काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं। मैंने एक शॉर्ट भी डाला था इसके ऊपर, तो बताऊंगा इसकी खूबियां और खामियां दोनों ही। लेट्स बिगिन। तो हमारे पास में ये स्टारलाइट ब्लैक कलर में है, फोन देखने में काफी अच्छा लगता है। बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो 18 वॉट का एक फास्ट चार्जर, यूएसबी टाइप सी केबल्स, एक सिम इजेक्टर टूल और एक फ्री का केस भी देखने के लिए मिल जाता है एंड यूजर गाइड मैनुअल जिसको कोई पढ़ता नहीं है। आई नो। बात करें इसकी बॉडी डिजाइन की तो ये फोन आता है 8.25 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ में, जो बहुत ही थिन फील होता है। और इस फोन के राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिलता है, जिसके अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। ऊपर की तरफ इसमें एक सिम कार्ड स्लॉट है, नीचे की तरफ 3.5mm का ऑडियो जैक और यूएसबी टाइप सी कनेक्टर चार्जिंग के लिए दिया हुआ है। और बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है, जो कि एक फ्लैट डिजाइन के साथ बना हुआ है। बात करें इसके इन हैंड फील की तो टेक्सचर काफी ज्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल फील होता है। वन हैंडली आराम से इस फोन को यूज किया जा सकता है। मुझे पर्सनली इस फोन को एक हाथ में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आई है। फोन के अंदर 6.58 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल है। मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर सुपर एमोलेड होना चाहिए था, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये LCD पैनल काफी अच्छी क्वालिटी का है तो चल सकती है, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है तो चलने में काफी स्मूथ फील होता है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर, जो काफी ज्यादा तेज है। इसमें हाई ग्राफिक्स पर गेमिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ डे टू डे लाइफ में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। मुझे पर्सनली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा है। इसको रन करने के लिए फन टच OS 12.0 के साथ में एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि हमें अभी इस रेंज में दूसरे फोन्स में देखने के लिए नहीं मिलता। बात करें कनेक्टिविटी और स्टोरेज की तो 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट और स्टोरेज के अंदर आपको मिलती है 128GB के साथ में 4GB, 6GB या 8GB का ऑप्शन, और स्टोरेज को बढ़ाने के लिए इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट भी दे रखा है। और रैम को वर्चुअली एक्सपेंड भी किया जा सकता है, जो अभी वीवो का एक पर्सनली नया फीचर है, जो अभी हाल फिलहाल में काफी सारे फोन्स के अंदर आ रहा है। और इन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए इसमें दी हुई है 5000mAh की एक बैटरी। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें मिलता है हमें ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट, जहां पे 50MP का प्राइमरी सेंसर, 2MP का मैक्रो सेंसर एंड 2MP का डेप्थ सेंसर दिया हुआ है। सेल्फी कैमरा की बात करूं तो 16MP का है और क्लीन फोटोज देता है। डे लाइट फोटोज की बात करें तो रिजल्ट काफी अच्छे हैं, मैं रियर कैमरा की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और काफी डिटेल्स भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर नाइट फोटोग्राफी की बात करूं तो कैमरा परफॉर्मेंस काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो या नाइट में अगर फोटोज के लिए फोन ले रहे हो तो आई विल नॉट रिकमेंड, लेकिन डे लाइट में फोटोज काफी ज्यादा अच्छे आते हैं इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बात करूं इसी के साथ में इसके सेल्फी कैमरा की तो क्वालिटी काफी अच्छी है, इमेजेस काफी शार्प एंड डिटेल निकल के आती है और साथ ही साथ इसी वजह से पोर्ट्रेट फोटोज भी काफी अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं सेल्फी मोड में भी। और बात करते हैं अब इसकी वर्डिक्ट पे कि क्या ये फोन लेने लायक है या नहीं है, पर उससे पहले मैं आपको एक बार इसके प्रोज और कॉन्स बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें इसके अंदर मुझे अच्छी लगी पर्सनली और क्या चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। प्रोज से स्टार्ट करते हैं देन कॉन्स पर खत्म करेंगे। तो प्रोज में मुझे इसका डिजाइन पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बैटरी बैकअप भी काफी ज्यादा अच्छा है एंड देन एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि कंपटीटर फोन्स में अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इसी प्राइस पॉइंट पे आते हैं। इसके साथ में इस फोन में क्या कमियां लगी मुझे मैं वो भी बता देता हूं आपको। अल्ट्रा वाइड सेंसर की यहां पे कमी दिखाई देती है पहली चीज, दूसरी चीज यहां पे लो लाइट में फोटोग्राफी इतनी अच्छी नहीं निकल के आती है। यस, एंड थर्ड चीज है यहाँ पे 5G के नाम पे सिर्फ दो बैंड दिए हुए हैं, तो कंप्लीटली 5G का सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। टाइम तो आखिर ये फोन बना किसके लिए गाइस? तो मुझे पर्सनली ये फोन किसी भी एरिया में टारगेट करते हुए दिखाई नहीं देता है। बस एक चीज मुझे यहाँ पे लगी कि जो स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर है, ये गेमिंग के लिए फोन हो सकता है। जिन लोगों को गेमिंग करनी है, परफॉर्मेंस थोड़ी चाहिए, तो या आप फोन ये ले सकते हो। नई फोन कैमरा सेंट्रिक है, नई फोन मीडिया कंजप्शन के अकॉर्डिंग सेंट्रिक है और नई फोन गेमिंग के लिए सेंट्रिक है, लेकिन हाँ एक बार के लिए फोन गेमिंग के हिसाब से लिया जा सकता है। यस गाइस, तो इतना ही इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अभी के लिए गुड बाय।